ଗୋଟିଏ ଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଆସୁଛି, କାଲିଠୁ ପୁଣି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି। ବାତ୍ୟା ଗୁଲାବ ଯାଉ ଯାଉ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପୁଣି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର। ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଏହା ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହେବ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିକଟରେ ଥିବାରୁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ଏହାର ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ 3 ଦିନ ଯାଏ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। କାଲ ଯେଉଁ ସାଇକ୍ଲୋନିକ ସର୍କୁଲେସନ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ଆଡଜଏନିଂ ଇଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ଏରିଆ ମେ ଥା ଉସକା ପ୍ରଭାବ ମେ ଏକ ଲଘୁଚାପ ବା ଲୋ ପ୍ରେସର ଏରିଆ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ଆଡଜଏନିଂ କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆ ଅଫ୍ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ମେ ହୁଆ ହେ ଆର୍ ଅଗଲା 24 ଆୱର୍ସ ମେ ଏ ଆଉର ଭି ମାର୍କ ହୋନେ କା ଚାନ୍ସେସ ହେ। इसका प्रभाव ज़्यादा प्रभाव वेस्ट बंगाल में रहेगा, बट हमारा ओडिशा का नॉर्थ ओडिशा का कुछ डिस्ट्रिक्ट में भी इसका प्रभाव रहेगा। आसंता काली उत्तर ओडिशा रा अधिकांश स्थान रे हालुकारु मध्यम धरण रा वर्षा होई पारे। तबे 3 जिला सुंदरगढ़, केन्दुझर, मयूरभंज रे अति प्रबल वर्षा रा संभावना थिबारु ऑरेंज वार्निंग जारी होई छि। सेही बळी देवगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल पई येलो वार्निंग जारी करा जाई छि। काल हमारा केउनझर, मयूरभंज, सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट्स में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल एक दो जगह करके होने का चांसेस है। देवगढ़, अंगुल, जाजपुर, भद्रक, बालेश्वर, ढेंकनाल डिस्ट्रिक्ट्स में एक दो जगह में हैवी रेनफॉल हो सकता है कल। फिर 30th को सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट्स में एक दो जगह में हैवी रेनफॉल का चांसेस है और बाकी सभी डिस्ट्रिक्ट्स में हल्का से मध्यम बारिश का चांसेस अगला 3 दिन में मेनी प्लेसेस में रहेगा। गत किछि दिन हब राज्यर विभिन्न स्थान रे वर्षा लागि रही छि। गोटिए परे गोटिए लघुचाप सृष्टि होथिबारु प्रभाव रे वर्षा जारी रही छि। तबे अक्टूबर 1 परे पाग मुख्यतः सुखिला रहिबो बोली पानी पाग विभाग पूर्वानुमान करै छि। ब्युरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज।